हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए स्पैरो यहाँ पर बैठा है। देखिए मैं स्पैरो कितना अच्छे से आज सुबह सुबह में 3 स्पैरो आ गए थे, 2 उड़ गए हैं। ये वेट करना है शायद वो आने के। मैंने जगह जगह पर यहाँ पर पिंजर लगाने की सोचा है। 2-3 पिंजर थे तो वहाँ पे मैंने लगा दिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ये मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स हैं तो यहाँ पर देखिए साइड पर ही मैंने रख दिया है। अभी यहीं पर ये बैठे हैं तो मैं इन्हीं को ढूंढ रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो है पिंजर डाले थे वो बारिश में भीग रहे थे और हवा के कारण इधर आ गए हैं, तो मैं जो हूँ इसको 3 जगह पर डालने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, बारिश के बाद जो सुबह की जो धूप निकलती है बिल्कुल एक रोशनी की तरह दिखती है, चमकती है, तो वही हालत है यहाँ पर। तो देखिए जीनिया इस समय लगा सकते हैं क्या, ऐसे कमेंट्स आया था मुझे। जी हाँ, बिल्कुल भी लगा सकती है। बहुत ही अच्छी सी समय है ये जीनिया लगाने के लिए। इसमें देखिए मैंने बहुत सारे जीनिया के सीड्स यहाँ पर डाल दिए हैं और वो वाले साइड में भी कुछ लगा हुआ है, सब निकालना है। और कितने हरे भरे फ्रेश दिख रहे हैं सारे के सारे पौधे। कल ये सीड्स के डालने के चक्कर में मैं उठा के रखने पर टूट गया फ्रेंड्स वो। और मैंने काम कर दिया है, सारे केलेंचू के कटिंग्स जो है मैंने लगा लिए हैं यहाँ, पूरे सैंड मिक्स सॉइल में मैंने लगा दी है क्योंकि बारिश का सीज़न है तो कम हो जाए। और ये सब जो टूट कर गिर गए थे सारे के सारे मैंने लगा ली हैं। और इसमें एक एडेनियम प्लांट था, पता नहीं मुझे वो कहाँ गया, मिल ही नहीं पाया, मिट्टी में कहीं दब गया वो, तो सारा मैंने क्लीन कर कर यहाँ पर लगा दिया है। और इसको भी मैंने सपोर्टिंग के लिए एक स्टिक भी दे दी है। फ्लावर्स देखे कितने अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टिक लगा दिया। तो उसके बाद फ्लावर्स, सुबह का टाइम है तो फ्लावर्स अभी खिल ही रहे हैं, तो सारे फ्लावर्स मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बारिश के बूंदे गिरते ही इसमें कलियाँ बनने लगी हैं। यहाँ पर फ्लावर्स खिल रहे हैं, पर्सलिन के हैं। यहाँ की जगह खाली हो गई है, मुझे वहाँ पर रखनी है। तो फिलहाल मैं आपको अपडेट वो और भी दिखा रही हूँ। और ये मैक्सिकन पेटोनी का भी एक फ्लावर्स खिला है। तो उसके बाद चलते ही यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और गम फेरना भी लगानी है। देखिए कहाँ कहाँ जगह जगह पर मैंने सीड्स कुछ डाले हैं और कुछ अपने आप निकल कर आए हैं, तो इनको भी मैं एक एक लाइन थ्रो लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं मेरे वेजिटेबल्स के कितने भी सीडलिंग्स मैंने दिए हैं और बारिश की वजह से 2 दिन में ही अच्छे निकल कर रहे हैं। और ये कटिंग रिपोर्टिंग के मेरे पौधे देखिए, और यहाँ पर कनेर भी बहुत अच्छे से निकल कर आई है। सारे के सारे इसमें जो है स्प्राउटिंग निकल कर आई है। तो देखिए इस समय आप भी प्रून कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रून करने के बाद फर्टिलाइजर वगैरह दे दिए थे, आपसे भी शेयर भी मैंने किए थे। तो देखिए कलियाँ बन रही हैं और साथ में नई पत्तियाँ भी। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सी है कलियाँ यहाँ पर और यहाँ। तो ये भी है, रेड लिली का फ्लावर खिला है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये जूम नहीं हो पा रहा, कैप्चर भी नहीं हो पा रहा है। देखिए सारे के सारे जो है नए पत्तियाँ निकल कर आई हैं, तो देख सकते हैं कुछ ही दिन में भर जाएगा ये पूरा और सारे जो है फ्लावर्स खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 दिन से लगातार बारिश हुई है, मैं उठाकर भी नहीं रख पाई। और ये देखिए ये सब हम लोग इसको राजगिरा बोलते हैं, ये जगह जगह पर निकल कर आई है। ये सेम की फली है और इसमें भी मैंने वेजिटेरियन के बहुत सारे सीड डाले हैं, सभी के सभी निकल कर आए हैं। ये बारिश 2-3 दिन लगातार होने की। ये बैंगन की है, मैंने 2-3 प्लांट्स जो है वो रिपोर्टिंग कर दी हैं। और ये तुराई, सेम फली और कद्दू के
एक ब्लेंड शायद निकल कर आए हैं उसमें, ये सब हल्दी के हैं देखिए, और यहाँ पर भी मैंने डाल दी है मूली। मूली ज़्यादा बारिश के कारण कुछ सीड्स ख़राब हो गए हैं यहाँ के, और कुछ चल रहे हैं। ये सब भिंडी के हैं इस साइड में, 24 स्प्राउटिंग हो रहे हैं, ये सब मूली के हैं इधर के सब, ये सब मूली के। तो कुछ और सीड्स थी शायद वो गल गए हैं। और ये भी देखिए राजगीरा है, ये इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे उतना याद नहीं है। और ये भी बैंगन का रिपोर्टिंग करने के बाद कितनी अच्छी सी ये हो गई है, और ये लुढ़क रही थी तो मैंने सपोर्ट दे दी है। और यहाँ पर सभी ये जो है ये सब मैंने अमड़ भाजी डाली है। स्पेनिच और एक सब्जी है उसका भी नाम हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, उसको भी कुछ कहते हैं सब्जी पल्ला हम लोग बोलते हैं सब्जी है, तो वो भी मैंने डाला है। उसका भी स्प्राउटिंग अभी नहीं निकला है, धीरे धीरे निकलेगा शायद। और यहाँ पर है देखिए ये लंबी बीन्स वाली है, ये लंबी बीन्स वाली निकल कर आई है। मैंने कुछ जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी अभी से मैंने डाल दी है, क्योंकि बढ़ने में थोड़े दिन लगेंगे, तो मैं कहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है कहाँ रखनी है वो सब टाइम में ये सब एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से फ्लावर भी अच्छी बन रही है, तो देखिए यहाँ पर। और ये सब पॉट्स अभी मैंने खाली ही रखा है, कुछ डालनी है कुछ लगानी है, पता नहीं कब हो पाएगा ये सब। कुछ और है यहाँ पर भी, सारे खालीपन ही लग रहा है यहाँ पर सभी है, सिर्फ मिट्टी भर कर रखा गया है। और एक मैं दिखा रही हूँ ये देखिए, ये सेम की है सेम फली, और ये जो मैंने कंपोस्ट बनाई थी उसी में रखी थी। फ्रेंड जो भी न निकल कर आए सभी मैं यहाँ पर डालते गए तो ये हालत हो गई इसकी, नीचे कंपोस्ट बनकर रेडी है, तो ऊपर सो थोड़ी मुझे पलटनी है, ये सब एक दिन काम करूँगी पता नहीं। तो इसमें ही ये ग्रो हो गए तो मैंने इसको सपोर्ट दे दिया अच्छे से, देखते हैं चलते हैं कि नहीं, लेकिन अच्छे से ये चल पड़ी है, फ्लावर्स भी बनने लगे। तो देखिए जगह जगह पर अच्छी इसकी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, तो सभी जगह फ्लावर्स निकल कर आ रही हैं। बस मैंने थोड़ी सी सपोर्ट दे दी है, यहीं पर मैं इसे बढ़ने देती हूँ, यहाँ पर ही चढ़ा लूँगी। और सीड से ग्रो किया हुआ एक प्लांट मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये जामुन का है, काला जामुन का प्लांट है। तो ये देखिए दो निकल कर आ गए थे, मैंने एक निकाल कर यहीं पर डाल दिए हैं, ये कंपोस्ट में ही लास्ट ईयर का बीज जो गिर गया था तो निकल कर आए। तो देखिए जगह जगह पर अच्छी ग्रोथ ये भी आ रही है, तो देखिए दो साल तीन साल में ये भी फ्रूट दे देगा शायद, क्योंकि आजकल ड्राफ्ट वैरायटी में जो प्लांट्स निकलते हैं तो सीड उसी के सीड जो रहते हैं बाज़ार में आते हैं, तो प्लांट भी वैसा ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये सोचकर मैंने इसको रहने दिए हैं, देखते हैं ये कब तक रहेगा कब तक चलेगा, चलने देती हूँ मैं इसको। और एक यहाँ पर जो सीड से ग्रो किया हुआ कुछ मैंने यहाँ पर भी डाला हुआ है सेम की है, ये दो मिर्ची के मैंने लगा लिए हैं। और यहाँ पर देखिए कल मैंने बाहर गई थी तो ये पेंसिल कैक्टस का कुछ प्लांट मुझे लग रहा था तो मैंने लेकर आई हूँ, देखते हैं। तो ये देखिए हवा और बारिश के कारण ये गिर गया है, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगा है, लगानी है तो सिर्फ यहीं पर रखा रह गया है ये, तो सभी एक दिन समेटूंगी तब मैं लगाऊंगी। ओके फ्रेंड्स बाय, ये अपडेट का वीडियो था मेरा।